सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूँ और उसके बाद आशुतोष के पास जाऊंगा। शाजिया अभय दुबे जी दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक दूसरे पर मत बोलिए। आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। सीधे राहुल सर, राहुल सर क्या लगता है दिसंबर तक सरकार ने जो लक्ष्य रखा है क्या वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो पाएगा, या आपके मन में भी कुछ डाउट है? नहीं, संदेह तो है क्योंकि अभी तक ये अभी हमारे दर्शक बहुत जानकारी वाले थे आपके जो अभी बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया हमको मालूम है कि अगर दिसंबर तक सबको टीका लगना है तो फिर 1 करोड़ रोज टीके लगने चाहिए। लेकिन और ये भी बात सही है कि जुलाई में नए टीके 50-55 करोड़ टीके आने की बात कही गई थी, हालांकि अभी आज सिर्फ 2 जुलाई ही हुई है, तो इस जुलाई का मतलब ये नहीं होता कि पहले ही दिन सब आ जाना चाहिए। तो हमें थोड़ा देखना चाहिए कि जुलाई में, हो सकता है जुलाई में आ जाए जी। लेकिन सरकार को अब ये बताना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था जुलाई की बात की थी कि जुलाई में कब तक आ जाएंगे टीके, और फिर उसका हम ये आशा करते हैं कि भाई उसका एक प्लान होगा सरकार के पास, उसका कैसा वितरण करना है, कहाँ कहाँ उसको जाना है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि टीकाकरण ना तो सब जगह एक रूप तरीके से चल रहा है, कहीं कहीं उसमें झोल है, कहीं उसमें कमियां आ रही हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव है। अभी कम से कम 6 या 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिर वो बढ़ने लगा है टीकाकरण अभियान। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई आकलन बता रहे हैं कि उसमें थोड़ी कह लें कि उसकी ऊर्जा कम होती दिख रही है, लोगों में अब भी टीके के प्रति संदेह बने हुए हैं और वो कम नहीं हो रहे हैं। तो एक नई पूरी कसरत की जा रही है कि लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, उनको टीके लगवाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, उनके शक को दूर किया जाए। तो अभी भी गैप्स हैं, लेकिन इसमें इसका ये मतलब नहीं कि सरकार की नीयत पर कोई शक करना चाहिए, मैं नहीं करता। सरकार की नीयत कोई, हर सरकार की नीयत होगी कि इस समय वो ज्यादा से ज्यादा ठीक तरीके से सबको टीका पहुंचा दे। लेकिन जहां तक प्रबंधन की क्षमता का सवाल है, उसमें पहले भी चूक हुई है, कोताहियां हुई हैं, और अभी भी ये लग रहा है कि स्थिति पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं आई है। ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। क्या आशुतोष सरकार के नियंत्रण में है? फिर जवाब शाजिया और फिर अभय दुबे। आशुतोष क्या लगता है सरकार के नियंत्रण में है वैक्सीनेशन का पूरा अभियान, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे? आवाज पहुंची नहीं है शायद। चलिए शादी आप जवाब दीजिए, आशुतोष का फोन कट गया है। मैं शादी के पास चलता हूं। राहुल सर ने कहा सरकार की नीयत पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेकिन देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी सब कुछ बिल्कुल